भाई कल तुझे कितना बुखार था? इतना हाय हुआ कि धर्म में टूट गया, पक्के हाय पसीना छूट गया। मुझे पता होता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे बहस करने में बड़ा मजा आता है। मोहित, मेरे से ना पंगा मत लिया करो, हिला के रख दूंगी। हंस क्यों रहे हो? अरे बताओ ना, हंस क्यों रहे हो? समझने वाले समझ गए होंगे। समझ रहे हो? हफ्ते में एक बार नहाती है और घर वालों ने नाम रखा है खुशबू। तुझे पता है जब मैं छोटी थी ना। एक मिनट, तू बड़ी कब हुई बे बुटकी? इतने ज्यादा मैसेजेस लड़कों के, अल्लाह तौबा। तुझे पता है सुंदर होना भी ना एक परेशानी है। तू तो टेंशन फ्री होगी फिर। जी तुम तो मेरे को शादी के पहले कहते थे ना। हाँ? मैं तेरे से बहुत मोहब्बत करता। अरे तो मेरे को क्या मालूम था कि शादी भी तेरे से ही हो जाएगी। मेरा खुदा जानता है कि मैंने सिर्फ तुझे प्यार किया। अबे आई वीडियो बना रहा था, वीडियो। तुझे पता है जब मैं छोटी थी ना। एक मिनट, तू बड़ी कब हुई बे बुटकी? एक बात बताओ, दोस्त क्या होते हैं? वो मनहूस इंसान जिससे हम चाहकर भी तमीज से बात नहीं कर सकते। रात के 12 बजे कोई प्यार में हंसता है तो कोई रोता है, और साला यहाँ मुझे रात को भूख लग जाती है। बहन तू कितनी प्यारी है ना। ओह थैंक यू। कैसा लगा मेरा मजाक? तो ये वाला एग्जाम डेस पे कि हम आपके प्यारे बच्चे हैं ना, हम पे करिए क्रोध। और एग्जाम हॉल में टीचर जब हमारे इधर उधर घूम रहा होता है ना, तो हमारा दिल यही कहता है कि मेरे ऊपर चर्चा मादर। बच्चों मिट्टी ना खाया करो, अरे माँ बाबा ने हन्नो। ढूंढने में तुम्हें भगवान में मिलेंगे, लेकिन मेरे जितना मासूम दोस्त नहीं मिलेगा। मगर तुम भसूड़ी लोग समझते कहाँ मुझे। हट। नाम क्या है? किसका? तेरा। किसका? अबे तेरा। महाराज को थोड़ा कम सुनता दिखे। किसका? तेरा नाम क्या है? मेरा नाम ही किसका है? अच्छा बता, पहले लाइफ सेट करूं या बंदा? शकल। दोस्त तो बना लूं, मगर इनको प्यार हो जाता। हम सिंगल लोगों की वजह से इंस्टाग्राम चल रहा है, जिनकी सेटिंग है वो तो व्हाट्सएप पर बिजी है। आईफोन होता है वाटरप्रूफ, वन प्लस होता है स्क्रैच प्रूफ, और मेरी बेस्ट फ्रेंड बेइज्जती प्रूफ। जितनी चाहे कर लो बुराई नहीं मानती। लाइफ में थोड़ा एडवेंचर लाओ, अपनी लव स्टोरी अपने पापा को बताओ। तुम तो मेरे को शादी के पहले कहते थे ना। हाँ? मैं तेरे से बहुत मोहब्बत करता। अरे तो मेरे को क्या मालूम था कि शादी भी तेरे से ही हो जाएगी। उसने मेरा दिल तोड़ा और मैंने उसका आईफोन 12। अब अंदाजा लगा लो कौन ज्यादा रोया होगा। मैं भी सिंगल, तुम भी सिंगल, मतलब समझ रहे हो, हम दोनों की शक्ल खराब है। कभी कभी सोचती हूँ कि सुसाइड कर लूँ, पर डर लगता है कहीं सच में मर गई तो। भगवान का दिया सब कुछ है। हाँ, शौहरत है, दौलत है, इज्जत है। इज्जत? इज्जत है। हाँ इज्जत है, है थोड़ी है? मतलब तो टैग योर टॉप पर दोस्त के एग्जाम काफी करीब है, दिन बचे हैं थोड़े। एग्जाम काफी करीब है, दिन बचे हैं थोड़े, और टीचर के क्वेश्चन पूछने पे जब कोई टॉपर अपना हाथ उठाता है ना, तो मेरा दिल यही कहता है। हेलो सर, मैं सबसे पहले तो आपको नमस्कार करना चाहूंगा। करिए। तुम, हाँ तुम, गली के कुत्ते, नाली के कीड़े, मलेरिया के मच्छर साले, उनसे दूर रहना, वरना तुम बीमार पड़ जाओगे मेरे दोस्त। तूने गुस्से में कभी अपना फोन उठा के फेंका है? ऐसा गुस्सा सिर्फ अमीरों को आता है दीदी। हाँ पंडित जी, दो रोटी कुत्तों को खिलाने से कामयाब रहोगे। क्या देख रहा है? घी वाली खाएगी या सादी? आप जिस सलीके से मुझसे बात करते हैं, क्या बच्चे अपने बाप से ऐसे बात करते हैं? हम इज्जत से कमाते हैं और हराम का खाते हैं, तो हमें किसी से डरने की
जरूरत ही नहीं है, मसाला फसाला सब ओके ओके बिच आई एम स्टार्टिंग सम मूवी नॉट 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 कुछ को राणा जी माफ कर देना। दादी तो मैं भी कर लूं, पर कोई घर का काम करने वाला सुंदर सुशील संस्कारी लड़का तो मिले। या माई काय भैया हमें चुप हो जाओ चुप हो जाओ। ये मैं हूँ, ये मेरी हंसी है और ये हमेशा सीरियस मोमेंट पर आ जाती है। एक बात बताओ, दोस्त क्या होते हैं? वो मनुष्य इंसान जिससे हम चाहकर भी तमीज से बात नहीं कर सकते। बाजरे दा सिट्टा बाजरे दा सिट्टा मेरा दोस्त गर्लफ्रेंड का कुत्ता। सच्चाई निकल गई। मुझे पता होता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे बहस करने में बड़ा मजा आता है। एक दिन मैंने अपना दिमाग चलाया, फिर वो चलते चलते काफी दूर चला गया, आज तक वापस नहीं आया।